69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आज काफ़ी शिक्षक जो है चयनित हो गए, उनको जिला भी मिल गया। आपके जो इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से बच्चों की तैयारी कराया और किस तरीके से उन लोगों को नौकरी मिली और कितने अभ्यर्थी हैं? दरअसल हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग जो सिलेबस आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टू द पॉइंट हम लोग तैयारी करवाते हैं और जो टॉपिक वाइज हम लोग तैयारी करवा के उसी टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाते हैं और इस तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं जिससे बच्चों को हर टॉपिक में पूरी पकड़ हो जाती है और इस तरीके से हम लोग हर विषय में ये चीज़ें करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है मेहनत कराते हैं जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो हम लोगों के तीनों सेंटर में, हम लोगों के जो परफेक्ट अकेडमी है उसके तीन सेंटर हैं, पुरनिया, कपूरथला और आलमबाग। इन तीनों सेंटर पर लगभग 6,000 बच्चे थे, इनमें से 3106 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, जिनमें से लगभग 600 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। इनमें से कुछ बच्चों को आज हमने बुलाया है जो आपके सामने हैं, अभी आपसे भी बात करेंगे। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे। आपके यहाँ देखा गया कि बेटा और बेटी और माँ एक साथ ज्वाइन हुए, एक ही जगह ज्वाइन हुए हैं, कितना फख्र आपको महसूस हो रहा है? मैं बहुत अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब ये दोनों लोग आए थे, माँ बेटी आए थे, तो ये बड़ा, इनकी माता जी बहुत निराश थी। इन्होंने कहा सर इस उम्र में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या हम नौकरी पा सकते हैं? तो हमने कहा ये इस बार हम लोग इतना मेहनत करेंगे, आप बस विश्वास रखिए मेहनत पे कि आप दोनों लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। हर दिन क्लास में ये बात होती थी, जिस दिन मेरी क्लास होती थी उस दिन इनसे यही बात होती थी कि इस बार इतिहास बनाना है कि माँ बेटी को एक साथ नौकरी दिलाने, और इतिहास बन गया। दोनों को बाराबंकी में एक ही ब्लॉक मिला है, दोनों लोगों ने एक साथ में ज्वाइन किया है, ये बहुत फख्र की बात है। माता जी का नाम केतकी देवी है और उनकी बेटी है जो नेहा रावत है, इनको मिला है। अब किस तरीके से बच्चों की तैयारी करा रहे हैं और आगे के बच्चों के भविष्य के लिए किस तरीके से तैयारी कराएंगे? हम लोग सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे जूनियर की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, हम लोग खाली शिक्षक भर्ती परीक्षा की ही कोचिंग की तैयारी करवाते हैं, हम लोग और कोई तैयारी नहीं कराते हैं। इसलिए हम लोग उसमें और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे ईमानदारी से बच्चों के साथ अगर हम लोग मेहनत करें तो बच्चों का रिजल्ट आता है। इसीलिए बच्चों का विश्वास भी बना हुआ है, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दूर दराज से। क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों के लिए? संदेश मेरा यही है कि अगर आप तैयारी करते हैं जिस भी क्षेत्र में, जिस भी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर तैयारी करेंगे और अपने सिलेबस को लेकर फोकस करके तैयारी करेंगे तो एक दिन सफलता निश्चित मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीटेट और टेट की स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है शिक्षक भर्तियों में, तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सीटेट और टेट में गेट कर सकते हैं? देखिए जो सीटेट और टेट का पैटर्न रहा वो नई शिक्षा नीति आने के बाद जो फोकस आज क्या है, पहले से जो आज एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन पे। तो अगर हम बच्चे को केंद्र में रखकर अध्ययन करवाएं, उसी को केंद्र में रखकर उनकी भावनाओं को, उनकी परिस्थिति को, उनकी एज को रख के अगर हम तैयारी करवाएं तो वो सारी चीजें मिल जाती हैं परीक्षा में। और सरकार का भी यही एक अवधारणा है कि इस आधार पर अगर तैयारी करवाएं तो, और टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लेवल पे जाके उनकी मनोदशा को समझ के पढ़ा पाए, तो वही सारी चीजें आती, यही हम लोग केंद्र में रखकर तैयारी करवाते हैं। कोरोना संकट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जो बेरोजगार थे, शिक्षक थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नौकरी देने का काम किया है, तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँ, सरकार के जो कदम है बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि सरकार जो परीक्षाएं करा रही है वो नियमित रखें, इनमें थोड़ा सा पारदर्शिता रखें, जैसे बच्चों का जो कैंडिडेट्स हैं उनका विश्वास बना रहे, और ये जो परीक्षाएं हो रही हैं इनमें क्वालिटी बिल्कुल सही तरीके से है और जो चल रहा है वो सही चल रहा है, बस परीक्षाओं की निरंतरता और इनका जो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बार जो है वो अदालत में चली जाती है वैकेंसी, इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना होगा। आप कई सालों से तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो नई शिक्षा नीति लागू की उसके बारे में मेरा यही कहना है, जो एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात जो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नए नए स्कीम ले आए, नई नई पॉलिसी ले आए, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ठीक तरीके से, टीचर जाएगा नहीं, टीचर पढ़ाएगा नहीं, तब तक हम कितनी भी पॉलिसी बनाते हैं वो अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना होगा सरकार को। ठीक ठीक, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं नेहा रावत हूँ, मैंने
मैंने बेटी से किया है 2015 बैच से फ्रॉम लखनऊ लाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप और आपकी माँ दोनों लोगों ने साथ में नौकरी मिली है, ये बहुत ही कम चांस देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कहाँ पे हुआ है? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं मम्मी का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आज जो मैं हूँ वो मम्मी की वजह से हूँ, है ना। तो हम दोनों का म्यूचुअल सपोर्ट था एक दूसरे को, दोनों लोगों ने सपोर्ट किया एक दूसरे को, फिर तब जाके यहाँ आए। उसके बाद से मतलब भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब इतना अच्छा मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिला जिससे मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया। एक साथ आप दोनों लोगों को नौकरी मिली है, चांस ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से तैयारी की और कहाँ पे पोस्टिंग मिली है? अच्छा, हमारी पोस्टिंग जो है बाराबंकी में है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? खुशी का मौका है कि आपकी बेटी आपके साथ जॉब कर रही है। बहुत कम देखा जाता है कि माँ बेटी एक साथ या पिता बेटा एक साथ उसको नौकरी मिले, आपको मिली है, तो किस तरीके से देखती हैं और दूसरे अभिभावकों को दूसरे बच्चों को क्या संदेश देंगे? सर, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हम दोनों को, माई ने शायद ऐसा पहले से सोचा होगा कि तुम दोनों को साथ में नौकरी मिली, इसीलिए मैं इसके पहले 2 बार TT में एग्जाम दिया, लेकिन पहली बार 2 नंबर से, फिर दूसरी बार 1 नंबर से मैं ट्राई करने नहीं निकल पाई, लेकिन फिर इसके बाद मुझे परफेक्ट कोचिंग का एक लड़की ने बताया, तो फिर मैं आई यहाँ पर सर के पास, सर से मैंने बात किया और सर ने अच्छे से बताया कि आप हिम्मत मत हारिए और आप अच्छा कर लेंगी, इसलिए मैं आई। मैं उसी दिन से मैंने कोचिंग शुरू करने का, और आप किसी तरह से परेशान मत होइए, हम पूरी तरह से आप लोग का सहयोग करेंगे, सर ने किया भी। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि जब हम तीसरी बार TT एग्जाम पास किए तो मेरे 104 नंबर आए, ये सबसे अच्छी बात है, तब से मुझे और हिम्मत मिली कि चलो हम अच्छा करेंगे। फिर सर जब क्लास में आते थे, पढ़ाते थे, तो सर कभी ना कभी ये कहते थे कि देखना तुम लोगों की दोनों लोगों की एक साथ नौकरी मिली, दोनों लोगों के साथ नौकरी मिली। और आज मिला है तो कैसा लगा? आज मिला है तो इतना अच्छा लग रहा है। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन हमने सोचा कि सर की बात देखे, कितने सर ने कितने अच्छे मन से कहा था, देखिए हम दोनों को। कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ पे पोस्टिंग मिली है? सर, मैं तो यही लखनऊ की रहने वाली हूँ और मेरी पोस्टिंग बाराबंकी में हुई है, और जो कि देव ब्लॉक, ये सीनापुर है। और आपकी बेटी की? और इनको भी बाराबंकी मिला है और इनको भी देव ब्लॉक मिला है, बस उनका PS 11 है, जो कि हम लोगों की दूरी माँ से 5-6 किलोमीटर के रेंज में है। थैंक यू। और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मतलब जो भी है, जो सक्सेस मुझे मिली है उसमें पूरा सपोर्ट परफेक्ट कोचिंग का है, क्योंकि यहाँ के एक एक टीचर हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मतलब वो लोग इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमें समझाने के साथ साथ दैनिक अनुभव से जोड़ कर इतना अच्छे से समझाते हैं कि वो चीज़ें परमानेंटली याद हो जाती है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत अच्छे से समझाया, और ये बाल मनोविज्ञान के सर कुलदीप सर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, हर पीरियड में मतलब हम लोग को सपोर्ट अच्छे से करते थे, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग जरूर निकलिएगा, और वो कहीं ना कहीं आज हम लोग का सही सपना सच हुआ है। इसे सारे कोचिंग के सारे परिवार को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, और बहुत खुश हैं, और सर से हम सभी लोगों से यही कहते हैं कि जो भी आज BTC कर रहे हैं, DEd कर रहे हैं, वो बच्चे परफेक्ट कोचिंग में जरूर आएँ, ये मौका मत खोएं, भले जितनी दूरी हो, दूरी माने नहीं रखती है, बात माने रखती है कि सिलेक्शन होने की। ठीक, थैंक यू। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका चयन हुआ है, इस इंस्टीट्यूट से हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और खुद की तरफ से परफेक्ट एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हीं के उचित मार्गदर्शन और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैंने ये सफलता प्राप्त करी हुई है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही कम समय मिला था जो कि तैयारी करने के लिए, फॉर्म आने के एक महीने के बाद ही एग्ज़ाम हो गया था, तो उस एक महीने में काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत थी वो मुझे यहाँ से मिली, और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि मेरा यह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आपको मुख्यमंत्री ने लेटर दिया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में?
ये तो बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए, जब मुझे पता चला कि काउंसलिंग के बाद मुझे पता चला कि आपका नाम सेलेक्ट हुआ है मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र पाने के लिए, तो मैं बहुत ही गदगद हो उठा था और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, सबको पता चला, तब तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र। क्या रैंक थी और कहाँ पर स्थान मिला इस बार? मेरी रैंक, ओवरऑल रैंक थी मेरी 7882 और मुझे यही लखनऊ जिला आवंटित हुआ है। मैं माल ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। अभिभावकों के लिए क्या संदेश है जो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, उनके लिए क्या संदेश? मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि यहाँ की थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ी पॉलिसी गड़बड़ है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद जॉब मिलने तक मिनिमम 2 से 3 साल टाइम लग जाता है, तो उसमें माता पिता बहुत अहम रोल अदा करते हैं बच्चों के लिए, जो कि उनको धैर्य धारण कराते हैं। अगर आप बच्चों को धैर्य नहीं धारण कराएंगे तो फिर वो आपका मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जो इस परीक्षा की तैयारी, आखिर कितने घंटे पढ़ा जाए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कट गए, तो इससे कितने घंटे आपने पढ़ाई? मैंने तो वही लगभग 9 से 10 घंटे, लेकिन यह है कि आप अगर 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप में वो रेगुलरिटी रहनी चाहिए, फिर वो गैप नहीं होना चाहिए। 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए और मुझे समय कम मिला था तो मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिंस पटेल है, मैं उन्नाव जनपद।